परमेश्वर के दैनिक वचन। अंतिम दिनों के लोग परमेश्वर के क्रोध को केवल उसके वचनों में देखते हैं और परमेश्वर के क्रोध को सचमुच में महसूस नहीं करते हैं। कि उत्पत्ति के समय से लेकर आज तक किसी भी समूह ने परमेश्वर के अनुग्रह या दया एवं करुणा का उतना आनंद नहीं लिया है जितना इस अंतिम समूह ने लिया है। हालांकि परमेश्वर ने अंतिम चरण में न्याय एवं ताड़ना का कार्य किया है और उसने अपना कार्य प्रताप एवं क्रोध के साथ किया है। अधिकतर बार परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए केवल वचनों का ही उपयोग करता है। वह सिखाने, सींचने, प्रदान करने और पोषण करने के लिए वचनों का ही उपयोग करता है। इसी बीच परमेश्वर के क्रोध को हमेशा छिपा कर रखा गया है और उसके वचनों में परमेश्वर के क्रोधपूर्ण स्वभाव का अनुभव करने के अलावा बहुत ही कम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर उसके क्रोध का अनुभव किया है। कहने का तात्पर्य है, न्याय एवं ताड़ना के विषय में परमेश्वर के कार्य के दौरान हालांकि परमेश्वर के वचनों में प्रकट क्रोध लोगों को परमेश्वर की महिमा और अपराध के प्रति उसकी असहिष्णुता का अनुभव करने देता है, फिर भी यह क्रोध उसके वचनों से परे नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मनुष्य को झिड़कने, मनुष्य का खुलासा करने, मनुष्य का न्याय करने, मनुष्य को ताड़ना देने और यहां तक कि मनुष्य की निंदा करने के लिए वचनों का उपयोग करता है। परंतु परमेश्वर अभी तक मनुष्य के प्रति अत्यंत क्रोधित नहीं हुआ है और अपने वचनों के बाहर बमुश्किल ही मनुष्य पर अपने क्रोध को तीव्रता से प्रवाहित किया है। इस प्रकार परमेश्वर की दया एवं करुणा, जिनका अनुभव मनुष्य के द्वारा इस युग में किया जाता है, वे परमेश्वर के सच्चे स्वभाव का प्रकाशन है। जबकि परमेश्वर का क्रोध, जिसका अनुभव मनुष्य के द्वारा किया जाता है, वह महज उसके कथनों के अंदाज एवं एहसास का प्रभाव है। बहुत से लोग इस प्रभाव को गलत रीति से लेते हैं कि ये परमेश्वर के क्रोध का सच्चा अनुभव एवं सच्चा ज्ञान है। परिणाम स्वरूप अधिकतर लोग मानते हैं कि उन्होंने उसके वचनों में परमेश्वर की दया एवं करुणा को देखा है, यह कि उन्होंने मनुष्य के अपराध के विषय में परमेश्वर की असहिष्णुता को भी देखा है और उनमें से अधिकांश लोग मनुष्य के प्रति परमेश्वर की दया एवं सहिष्णुता की सराहना भी करने लगे हैं। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य का व्यवहार कितना बुरा है या उसका स्वभाव कितना भ्रष्ट है, परमेश्वर ने हमेशा सहन किया है। सहते रहने में उसका उद्देश्य है कि वे वचन जो उसने कहे हैं, वे कोशिशें जो उसने की हैं और वह कीमत जो उसने चुकाई है, इनके प्रभाव हासिल करने का इंतजार उन लोगों में करना जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है
इस प्रकार के परिणाम का इंतजार करने में समय लगता है और इसमें मनुष्य के लिए विभिन्न वातावरण की सृष्टि करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोग जन्म लेते ही वयस्क नहीं हो जाते हैं, इसमें 18 या 19 साल लग जाते हैं और कुछ लोगों को तो 20 या 30 साल लग जाते हैं। इससे पहले कि वे परिपक्व होकर वयस्क हों, परमेश्वर इस प्रक्रिया के पूर्ण होने का इंतजार करता है। वह ऐसे समय के आने का इंतजार करता है और वह इस परिणाम के आगमन का इंतजार करता है। और उस पूरे समय जब वह इंतजार करता है, परमेश्वर अत्यंत दयालु होता है। फिर भी परमेश्वर के कार्य की समयावधि के दौरान बहुत कम संख्या में लोगों को मार गिराया जाता है और कुछ ही लोगों को परमेश्वर का गंभीर विरोध करने के कारण दंड दिया जाता है। ऐसे उदाहरण परमेश्वर के उस स्वभाव के और भी अधिक बड़े प्रमाण हैं जो मनुष्य के अपराध को बर्दाश्त नहीं करता है और वे चुने हुए लोगों के प्रति परमेश्वर की सहिष्णुता एवं सहन शक्ति के सच्चे अस्तित्व को पूरी तरह से पुष्ट करते हैं। हां, वास्तव में इन प्रतीकात्मक उदाहरणों में इन लोगों में परमेश्वर के स्वभाव के एक हिस्से का प्रकटीकरण परमेश्वर की समूची प्रबंधकीय योजना को प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में परमेश्वर के कार्य के इस अंतिम चरण में परमेश्वर ने उस समयावधि के दौरान चुपचाप सहन किया है जिसमें वो इंतजार करता रहा है और उसने अपनी सहन शक्ति एवं अपने जीवन को उन लोगों के उद्धार से बदल लिया है जो उसका अनुसरण करते हैं। क्या तू इसे देखता है? परमेश्वर बिना कारण अपनी योजना में उलटफेर नहीं करता है। वह अपने क्रोध को तीव्रता से प्रवाहित कर सकता है और वह दयालु भी हो सकता है। यह परमेश्वर के स्वभाव के दो मुख्य भागों का प्रकटीकरण है। क्या यह बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं है? दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर की बात आती है तो सही एवं गलत, धर्मी एवं अधर्मी, सकारात्मक एवं नकारात्मक, यह सब कुछ मनुष्य को साफ साफ दिखाया जाता है। जो वह करेगा, जो वह पसंद करता है, जिससे वह घृणा करता है, यह सब सीधे तौर पर उसके स्वभाव में प्रतिबिंबित हो सकता है। ऐसी बातों को परमेश्वर के कार्य में भी स्पष्ट तौर पर और साफ साफ देखा जा सकता है और वे अस्पष्ट या सामान्य नहीं हैं। इसके बजाय वे सभी लोगों को परमेश्वर के स्वभाव और स्वरूप को खास तौर पर ठोस, सही एवं व्यावहारिक रीति से देखने देता है। यही स्वयं सच्चा परमेश्वर है।